अब हम बनाएंगे स्पाइसी राजमा चीज कैनपीज। उसके लिए बेस है वो ब्रेड है। क्या है? ब्रेड है, ब्रेड स्लाइस। ये है अपनी ब्रेड स्लाइस और बटर, ये उसका बेस है। और उसके लिए फिलिंग के लिए अपने अपने को चाहिए, वो अपने को चाहिए राजमा, फिर ये है बटर, टमाटर, प्याज, चीज़, कैप्सिकम, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, गार्लिक, एक कुटा हुआ गार्लिक है, और फाइनली नमक। तो ये चीज़ अपने को स्टफिंग के लिए चाहिए। तो पहले मैं ब्रेड स्लाइस बनाती हूँ। ये भी स्नैक ऐसा है कि जो आपको आप पहले से आगे से करके रख सकते हैं और बाद में दे सकते हैं। एक ऐसा कटर लेने का, उसको बोलते हैं कुकी कटर, और सब स्लाइस को ऐसा बीच में से काट देने का। ये अपना हुआ स्लाइस कटर। बहुत लोग क्या करते हैं, ब्रेड को तल लेते हैं, यू नो दे फ्राई द ब्रेड यानी फिर उसके ऊपर टॉपिंग डाल के देते हैं। पर मुझे तली हुई ब्रेड अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो बहुत तेल ले लेती है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको बेक कर रहे हैं। अभी उसकी जोड़ी बनाएंगे। क्या करेंगे हम लोग? जोड़ी करेंगे। तो ये जोड़ी में अंदर क्या करेंगे, एक ऐसे ही रखेंगे और एक के अंदर ऊपर से क्या कर लिया हमने, ऐसा बना दिया। देखिए कितना आसान है बनाने में, कोई टाइम नहीं लगता उसको। अभी हम ये जो ब्रेड काटी है ना, उसको हम बेक करेंगे। क्या करेंगे? बेक। तो पहले एक बेकिंग ट्रे लेने की और उसको थोड़ा सा ब्रश से मक्खन लगाने का। ये मक्खन क्यों लगाते हैं हम लोग? मक्खन से नीचे से जल्दी कड़क होता है और वो चिपकता नहीं। अभी हम रखेंगे ब्रेड स्लाइस। और थोड़ा सा मक्खन ऊपर लगाएंगे, बस एकदम कम। ये देखिए अपना ये तैयार हो गया। और उसको हम रखेंगे ओवन में। और ओवन में कैसे रखेंगे? 350 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसका आधा सेंटीग्रेड, अराउंड 150-175 यू कैन टेक इट एंड पुट इट इन द मीडियम ओवन फॉर 10-15 मिनट्स। और नहीं तो क्या, थोड़ा सा क्रिस्प होना चाहिए, बस 10-15 मिनट में हो जाएगा। तो मैं अभी मैं ओवन में रखती हूँ। और एक बात तो मैं कहना भूल गई, वो क्या है कि ओवन को पहले प्री हीट करना। 10-15 मिनट आपको जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर पर पहले से प्री हीट करना चाहिए, नहीं तो क्या होएगा, अपना ब्रेड ज़्यादा कड़क हो जाएगी और खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो पहले से पहले ओवन गर्म करने का और फिर बाद में अपनी ट्रे रखें। अच्छा, अभी ये हो गया। अब मैं बनाऊँगी, क्या बनाऊँगी? फिलिंग बनाऊँगी। फिलिंग अपने, ये क्या फिलिंग? हम राजमा की, आज तो हम राजमा की बना रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि आप राजमा से ही फिलिंग कर सकते हो। आप घर पे समोसा का मिश्रण बना होगा, पालक पनीर का मिश्रण बना होगा, घर पे जो कोई चीज़ बनेगी, थोड़ा सा चीज़ डाल के सूखी बना के उसके अंदर भर सकते हो। पर अभी अभी तो हम, मैं तो राजमा फिलिंग की बात कर रही हूँ। ये राजमा को क्या करते हैं, पहले राजमा को 5-6 घंटा भिगाने का, भिगाने के बाद उसको प्रेशर कुकर में डालने का, पानी के साथ, 1-2 कप पानी के साथ प्रेशर कुकर में डाल देगा। आपको कितनी ब्रेड स्लाइस है उसके हिसाब से, आधा कप, 1 कप राजमा लिया बहुत हो जाएगा। तो आधा कप लेगा तो 1 कप राजमा तैयार हो जाएगा। तो अपना राजमा बॉईल करके दे, और जब उसका पक जाएगा, 3 सीटी कम से कम लगती है, नहीं तो वो पकते नहीं राजमा, तो उसको 3 सीटी देने की और फिर उसका पानी निकाल देने का। क्या करने का? पानी निकाल देने का। और ये हो गया अपना सूखा राजमा। इस तरह से राजमा तैयार होता है। फिर अभी गैस चालू करने का और हम मिश्रण बनाएंगे। पहले हम डालेंगे बटर, ये ऑयल में भी बना सकते हो। फिर हम बाद में डालेंगे उसके अंदर प्याज, अराउंड 2 टेबलस्पून। अभी ये प्याज थोड़ा भून गया, अभी अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च, अभी थोड़ा सा गार्लिक, 1/2 टीस्पून ऑफ गार्लिक। आपको गार्लिक की ज़्यादा फ्लेवर चाहिए तो पहले से बटर में डाल सकते हैं आप, तो ज़्यादा फ्लेवर, ये थोड़ी माइल्ड फ्लेवर है। अभी हम डालेंगे टमाटर, अराउंड 2 टेबलस्पून, और अपना उबला हुआ राजमा 1 कप, फिर सब मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच चिली पाउडर,
आधा चम्मच जीरा पाउडर और फिर डालेंगे नमक और बनाते समय थोड़ा थोड़ा राजमा को प्रेस करते जाइए तो क्या उसको अच्छी तरह से मिल जाए, मिश्रण के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। ये बन गया अपना मिश्रण। अब हम ओवन में देखेंगे अपना वो मिश्रण बेक, जो ब्रेड रखी है ना अंदर वो बेक हो गई होगी तो उसको हम निकालेंगे। देखिए थोड़ा सा पिंक कलर आ गया है ना, तो ज़्यादा मत बेक करना नहीं तो क्या हो जाएगा, बहुत चीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ी सी फिलिंग भरेंगे उसके ऊपर और फिर ये टोपी उसके ऊपर लग जाएगी। अब बस अभी थोड़ी सी चीज़ ऊपर डालिए और बेक, वापस बेक करने को रख दीजिए थोड़ी सी बीच में और उसको वापस अभी ओवन में रखेंगे खाली 5 मिनट। देखिए अभी ये सब तैयार हो गया। चाहे तो उसके ऊपर थोड़ी सी पार्सली लगा दीजिए, देखने में सुंदर लगेगा। ये बन गया अपना राजमा चीज कैनोपीस। बनाने में आसान, खाने में भी बढ़िया और लोगों को कुछ नया खाया ऐसा लगता है। स्पाइसी राजमा चीज कैनोपीस बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड 8 स्लाइसेस, पकी हुई राजमा 1 कप, कटी हुई शिमला मिर्च 2 बड़े चम्मच, कटा हुआ प्याज 2 बड़े चम्मच, बारीक कटा हुआ लहसुन 1/2 छोटा चम्मच, कटा हुआ टमाटर 2 बड़े चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, कसी हुई प्रोसेस चीज 4 बड़े चम्मच, पिघला हुआ मक्खन 3 बड़े चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, सजावट के लिए थोड़ी सी पार्सले। Master Chef.